गुंडागिरी के खात्मे के लिए कानून भी मौजूद हैं, लेकिन इन दूसरे कवानीन की तरह सिर्फ कागजों की जीनत बनकर रह गए हैं। शहर भर की सड़कों, गली मोहल्लों, बस स्टैंड और सिग्नल्स पर भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं और ज़हनी अज़ियत व खौफ का बायस बन रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गदागर इन्हें जज्बाती तौर पर उकसाते हैं और माह मुकद्दस का वास्ता देकर जेब से पैसे निकलवा कर ही छोड़ते हैं। आजकल जो है लोगों को कोई रोजगार नहीं है, कोई चीज़ नहीं, ये जो अलावा समझने वाला है बहुत ज्यादा है। हम यहाँ से इधर तक पत्नी कितने लोगों को मैंने दिए, क्या क्या मैंने दिए, हम रोता है इधर लोगों को देखता है, किसी का टांग नहीं, किसी का पाए नहीं, बहुत मजदूर लोग इधर। गवर्नमेंट को चाहे कि इनका जो है इमदाद करे, इनके लिए सोचे। लोग गाड़ी भी दरवाजा भी खोले नहीं पाते, दाएं बाएं आके ना खड़े हो जाते हैं। मार्केट में दाखिल होते तो बच्चे वकील जो भी है ना बहुत तंग करते, अगर पैसे ना दे तो पीछे जान ही नहीं छोड़ते, पीछे पीछे आते हैं। फिक्रों का तो ये तो एक बहुत ही इंतहाई तंग, छोटे छोटे बच्चे अगवा कर लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, जो लोग शॉपिंग करें उनका पैसे भी निकाल लेते हैं। ये ऐसे तक है तो बस ये इनकी ये ना आदत बन चुकी है, आगे हिलने देते हैं किसी को भी। तजारती मराकज और मार्केटों में इन पेशावर गदागरों ने ताजरों की नाक में दम कर रखा है। दुकानदारों का कहना है कि यूं तो आम हालात में भी भिखारियों की तादाद कुछ कम नहीं होती, लेकिन रमजानुल मुबारक के दिनों में इतने गाहक नहीं आते जितने फकीर आ जाते हैं। बेशुमार गाँव के लोग जो हैं जिनको काम नहीं, ये दरअसल एक माफिया है जो हमारी समझ में बात आती है, वो इनको लेके आते हैं, यहाँ आके अकोमोडेट करते हैं। उसके बाद ये मिली भगत है पुलिस वालों की भी और यहाँ जितने भी ऑफिशियल लोग हैं उनकी। ये फकीर आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम इनको मना करते हैं मगर नहीं मारते, बड़ी मिन्नतें करते हैं, अगर किसी को नहीं देते वो गालियाँ देनी शुरू कर देता। ये फकीर इसमें पता नहीं, वाकई ये बहुत ज़्यादा फकीर है, मांगने वाले नहीं रखते, ये पेशेवर है सारे। आजकल रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में आज भी इतने ग्राहक नहीं आते जितने फकीर आते हैं। ये टोलियों की सूरत में आते हैं और कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं, अल्लाह का वास्ता माँ बाप का वास्ता दे के कोई ना कोई चीज़ लेकर ही जाते हैं, जान नहीं छोड़ते। महंगाई के इस दौर में लोगों के लिए बुनियादी जरूरियात भी पूरी करना मुश्किल है। शहरियों का कहना है कि खुदा तरसी अपनी जगह, लेकिन प्रोफेशनल भिखारी सदकातो एहतियात के मुस्तहिक नहीं है। पेशावर गदागरों के हौसला शिकनी के लिए जहां मुनज़्ज़म कानून साजी के साथ साथ इस पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है, वहीं हुकूमत को चाहिए कि गुरबत के कंट्रोल के लिए भी अपनी इकदाम करें। कैमरामैन आसिफ खान के साथ फिजा नूर, सिटी 42।